हेलो दोस्तों, ये है पार्ट 3 हमारे चेस का। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ हमारा स्कैनर वाला स्प्राइट। तो यहाँ तक हमने जितना पार्ट अभी तक हमने किया था वो सब हमारे पीसेस के लिए था। तो यहाँ पे हमारे पीसेस में सिर्फ बेसिक मूवमेंट का पार्ट था, जिसका बेसिक सेटअप था वो हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं विद द एक्चुअल कोड, जो हमारे पीसेस को हम मूव कर सकेंगे। और जैसा एक वर्किंग चेस का गेम होता है उस तरह हम यहाँ का हम पार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाय मेकिंग सम बेसिक ब्लॉक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विथ मेकिंग अ ब्लॉक। इसका हम नाम देंगे क्लोन चेक। यहाँ पे मैं लूंगा डिफाइन क्लोन चेक। तो अभी हम ये ब्लॉक को एक्चुअली यूज नहीं करेंगे, बट हमें ये हर एक स्प्राइट में ये बहुत बार यूज आने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अभी रखने वाले हैं। यहाँ पे मैं रखूंगा, तो अगर मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो टाइप वाला वेरिएबल था, हमको यहाँ पे वो चाहिए होगा। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो हमारा जो टाइप वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पे सेट किया था टू द कॉस्ट्यूम नंबर। तो यहाँ से हम हर बार देखते जाएंगे कि हमारा जो भी टाइप का जो कॉस्ट्यूम नंबर है वो यहाँ पे कौन सा होने वाला है, हम किसके लिए ये काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं रखूँगा इफ टाइप इज लेस देन 7, तो यहाँ पे मैं रखूँगा। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो टाइप लेस देन 7 जो है वो यहाँ पे हमारे ब्लू वाले स्प्राइट्स हैं। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये 7 स्प्राइट है यहाँ पर, और इससे ऊपर सारे हैं हमारे ब्लू स्प्राइट्स। तो यहाँ पे हम लेंगे इफ टाइप इज लेस देन 7, देन मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल्स के अंदर से इफ, तो इफ यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ लेस देन ऑपरेटर्स के अंदर से, यहाँ पे मैं लूंगा ऑपरेटर्स के अंदर से लेस देन, और यहाँ पे मैं रखूंगा वेरिएबल्स के अंदर से टाइप, और यहाँ पे मैं रखूंगा टाइप लेस देन 7। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर एक और इफ कंडीशन रखेंगे, बट हमें यहाँ पे एक इफ कंडीशन है, हमको यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे ये सेम चीज करने वाले हैं दूसरे वाले के लिए भी। तो यहाँ पे मैं रखूँगा इसको कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हमको चाहिए होगी दूसरी एक इफ कंडीशन, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रखूँगा कुछ एंड्स, तो हमको यहाँ पे चाहिए होंगे 3 एंड, तो कुछ ऐसे। सॉरी, हमको यहाँ पे सिर्फ 2 एंड चाहिए, बट इसके अंदर हमको 3 एक तरीके से इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे मैं रखूँगा 2 एंड, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे टचिंग, तो यहाँ पे हमारा जो भी कलर्स होंगे वो हम यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ने मेरे जो एसेट्स थे जो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर दिए थे, तो अगर आप लोग ने उसको वहाँ से डाउनलोड किया है, तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पे ग्रीन फ्लैग क्लिक करके बताता हूँ, तो यही सेम स्प्राइट्स हमको चाहिए होंगे। यहाँ से मैं रखने वाला हूँ टचिंग कलर, यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर रखूँगा, और यहाँ पर मैं रखने सेलेक्ट करने वाला हूँ ब्लू कलर। तो जस्ट हमको यहाँ से ये कलर पिकर के अंदर जाना है, और यहाँ से हम रखने वाले हैं ये ब्लू कलर। यहाँ पे हमको चाहिए ये टचिंग कलर नॉट के अंदर, तो इफ नॉट टचिंग कलर ब्लू, यहाँ पे मैं रखूँगा इफ नॉट, तो ऑपरेटर्स के अंदर से नॉट, यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ इफ नॉट टचिंग ब्लू कलर। उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगा इफ नॉट टचिंग एज, यहाँ पे हमको नॉट चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं नॉट। उसके बाद यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ टचिंग एज, और उसके बाद यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ जो हमारा ये बैकग्राउंड कलर है हमारे स्प्राइट के अंदर। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक हल्का सा बैकग्राउंड कलर दिया है, यहाँ पे मैं हमको रखना है ऑपरेटर्स के अंदर से नॉट, सेंसिंग के अंदर से टचिंग कलर। तो यहाँ पे भी हमको सेम करना है, यहाँ पे हमको जाना है कलर पिकर के अंदर, और यहाँ से हम ये बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए होगा एक और इफ कंडीशन, यहाँ पे मैं रखूंगा इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको चाहिए होगा ये वेरिएबल रीच एंड, तो यहाँ पे मैं इसको रखने वाला हूँ कुछ इधर, और यहाँ पे हमको चाहिए होगा एक नो, और ये एक्चुअली बूलियन वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एडिट करूंगा। यहाँ पे मैं रखूंगा क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए होगी एक और इफ कंडीशन इसके बाहर, तो इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे इसको रखूंगा
कुछ ऐसे कुछ यहाँ पर, ये इफ कंडीशन जो रीज एंड वाली कंडीशन है उसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पे रखना है इसको। और उसके बाद यहाँ पे मैं रखूँगा सेंसिंग के अंदर से टचिंग रेड कलर। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि जो हमारा रेड कलर है हम उसको एक बार टच करने देंगे, बट उससे ज़्यादा हम इसको एक्सीड नहीं कराने वाले हैं। तो यहाँ पे से मैं लेने वाला हूँ कलर पिकर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ एक रेड कलर। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ सेट रीज्ड एंड टू यस। तो यहाँ से मैं लूंगा सेट रीज्ड एंड टू यस। उसके बाद ये सेम चीज हम करेंगे हमारे एल्स के अंदर भी, बट यहाँ पे हम सिर्फ इसका जो कलर डिफरेंस है वो हम यहाँ पे रखेंगे। जस्ट मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा एंड के अंदर, एल्स के अंदर। और जस्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने टचिंग ब्लू कलर रखा है वहाँ पे हम इसको रखने वाले हैं टचिंग रेड, और जहाँ पे हमने रेड रखा था वहाँ पे हम रखने वाले हैं ब्लू। तो जस्ट मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया है, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक रेडी हो गया है और हम इसको बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक नेक्स्ट ब्लॉक बनाएंगे, ये बहुत छोटा सा ब्लॉक है बट ये भी 5-6 बार यूज़ आने वाला है। क्लोन चेक, बट ये होगा सिर्फ हमारे सोल्जर के लिए, तो सोल्जर। और यहाँ पे ये सिर्फ हमारे सोल्जर्स के लिए काम आएगा। यहाँ पे मैं रखूँगा इफ कंडीशन, यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही इफ कंडीशन चाहिए। ऑपरेटर्स के अंदर से मैं यहाँ पे रखूँगा एंड, एक और बार मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ एक एंड जस्ट इसके अंदर। यहाँ पे भी हमको 3 स्लॉट्स चाहिए, और यहाँ पे मैं रखूँगा नॉट। अब यहाँ पे जैसा हमने इसके लिए रखा था, तो जस्ट मैं यहाँ से बार बार हमें कलर पिक ना करना पड़े इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। यहाँ पे मैं रखूँगा एक बार रेड, एक बार मैं यहाँ पे रखूँगा ब्लू, और एक बार मैं यहाँ पे रखूँगा हमारा बैकग्राउंड कलर जो था, ये थोड़ा सा लाइट पिच कलर है तो हम यहाँ पे इसको रखने वाले हैं कुछ ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे ये इफ कंडीशन के अंदर हमको बस यहाँ पे 2 चीज़ रखनी है। तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ सेट, तो सेट क्लिक्ड, तो हमारा जो क्लिक्ड वाला वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे रखेंगे येस पर, और यहाँ पे जस्ट हम एक बार रख देंगे क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ। तो जैसा हमको यहाँ पे चाहिए था क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, तो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी जो, अगर आप देखोगे तो इसकी कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको रखने वाले हैं सेट घोस्ट इफेक्ट। हमको यहाँ पे ब्राइटनेस इफेक्ट नहीं रखना है, बट हमको यहाँ पे रखना है घोस्ट इफेक्ट। तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं रखूँगा सेट घोस्ट इफेक्ट, और यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 240। उसके बाद हम यहाँ पे इसको शो करेंगे, और ये स्टार्टिंग में हम इसको हाइड भी करने वाले हैं बट अभी नहीं, हम यहाँ पे इसको शो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रखने वाले हैं गो टू फ्रंट लेयर, और उसके बाद हम यहाँ पे रखने वाले हैं वेट अनटिल, और इसके अंदर हम यहाँ पे रखने वाले हैं एक और कंडीशन, और के सेकेंड वाले स्लॉट के अंदर हम यहाँ पे रखेंगे एंड। यहाँ पे हम रखने वाले हैं एक इक्वल टू, और इक्वल टू के अंदर यहाँ पे हम रखने वाले हैं वेरिएबल डिलीट, इफ डिलीट इज इक्वल टू यस। और यहाँ पे मैं रखूँगा एंड वाले के अंदर हम यहाँ पे रखने वाले हैं सेंसिंग के अंदर से टचिंग माउस पॉइंटर एंड माउस डाउन। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हमको यहाँ पे चाहिए होगी एक इफ कंडीशन। यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ वेट इफ डिलीट इज इक्वल्स टू नो, तो यहाँ पे यस की जगह हमको यहाँ पे रखना है नो। उसके बाद यहाँ पे हम रखने वाले हैं सेट टारगेट एक्स टू एक्स पोजिशन एंड टारगेट वाई टू वाई पोजिशन। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे वेट फॉर 0.01 सेकेंड्स, छोटा सा हम इसको वेट देने वाले हैं, बहुत छोटा सा वेट है ये। यहाँ पे हमको चाहिए सेट डिलीट इज इक्वल्स टू यस। अब इसके बाद यहाँ पे हम लास्ट चीज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं डिलीट दिस क्लोन। अब यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, बट हमको यहाँ पे थोड़ा सा और पार्ट करना है। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, उसके बाद हमको यहाँ पे रखना है हाइड, और उसके बाद यहाँ पे हम रखने वाले हैं इवेंट्स के अंदर से व्हेन आई रिसीव स्कैन, यहाँ पे हम रखेंगे सेट डिलीट वेरिएबल, तो हमारा जो वेरिएबल डिलीट था यहाँ पे हम डिलीट को रखने वाले हैं टू नो। उसके बाद हम यहाँ पे इसको रखने वाले हैं सेट क्लिक्ड टू नो। उसके बाद हम यहाँ पे रखने वाले हैं सेट
रीच्ड एंड टू नो, तो जितने भी हमारे तीनों बूलियन वेरिएबल्स थे तीनों को हम यहाँ पे रखने वाले हैं टू नो। उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ रखने वाले हैं लास्ट में गो टू, तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ गो टू। वेरिएबल्स के अंदर से यहाँ पे मैं रखूँगा स्कैन एक्स एंड स्कैन वाई। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसका बेसिक जो पार्ट था हमारा, जो हमारे ब्लॉक्स बनाने थे उतना हमने पार्ट किया है हमारे स्कैनर के लिए। तो ये जो हमारे ब्लॉक्स हैं ये बहुत जगह हमको यूज़ आने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसको अलग से ले लिया है। तो आगे का पार्ट जो भी होने वाला है उसके अंदर हम हर एक जो भी हमारा स्प्राइट होगा, जैसे हमारा एक ये रूक है तो रूक के लिए हम अलग से कोड लिखेंगे, तो हमारा जो हॉर्स है उसके लिए भी हम अलग से कोड लिखेंगे। तो वैसे हम सबके लिए एक अलग अलग कोड रखने वाले हैं, तो वो सब हम आगे के पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।